इस न्यूज के प्रायोजक हैं बालाजी एकेडमी पीएससी कोचिंग सेंटर पड़ाव चौक मुगेली। करंट की चपेट में आने से एक 35 वर्षीय युवक की हुई दर्दनाक मौत। पूरा मामला लोरमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत समरिया का है, जहां मृतक राजेंद्र रजक को गांव के ही बबलू राजपूत ने अपने ट्यूबवेल में बिजली का तार खींचने के लिए लकड़ी का खंभा गाड़ने हेतु अपने साथ लेकर गया था। काम करते हुए युवक को अचानक करंट लग जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तार जो कि आंधी तूफान से गिरा हुआ था, जबकि परिजनों का कहना है कि मृतक युवक को बबलू राजपूत के द्वारा घटना स्थल से घसीटकर लगभग 30 फीट की दूरी तक ले जाया गया था और इसकी सूचना उन्हें नहीं दी गई थी। जहां घटना स्थल पर मृतक युवक को घसीटने का निशान भी है, इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई है। लोरमी थाना क्षेत्र प्रभारी आनंद राम का कहना है कि बबलू राजपूत के द्वारा मृतक राजेंद्र रजक को उसके घर जाकर काम करने बुलाया गया। बिजली का तार ऊपर करने के लिए लकड़ी की बल्ली का इस्तेमाल किया गया। इसी दौरान टूटे हुए तार में बिजली धारा प्रवाहित थी, जिसके चलते राजेंद्र रजक की मौके पर ही मौत हो गई। मामले में उसके बड़े भाई संतोष रजक के रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर विवेचना में लिया गया है। फिर खाना खाल बैठे रहीस तो बोलीस के चल ना लाइट बनाना है, बोलीस फिर बोलीस मोर लाइट बनाए नहीं आवे तो फिर खाना खा जाऊ बोली, तो फिर वो बोलीस कि मैं पौआ पिया हूँ चल नहीं सके के ले आई। फिर भाई आ गए बबलू मंडल कहाँ के सेमरिया के। और अभी का उसके बाद का लगा था स्थिति देखा था बहुत गंभीर, इस बात में लगा थी कि लाइट में चटक के मरे हुए लहास पड़े रही से घिसलाई से साइड में रखी से चल का के फूटा गड़वाया ऐसे कही के तो दे ला रही से कहा। ओखर बाद में पता चला थे कि खत्म हो गए, बाद में पता चली से पिकअप का मंगवा डाले रही से, हमला मालूम नहीं रही से, घर के कोई ला मालूम नहीं रही से, न आके भी नहीं बताए है और गए थे ना बेच नहीं करे है ना घरों में नहीं बताए है। और खर प्लान ऐसे रही सो ही कि मारे के रही सोई था तो दूर से चटक नहीं जैसे घर में का चीज बर कई घर में का चीज वहां कई के लाए रही से का काम करवाया बर का चीज के लाइट गिर के तार है तो फूटा गड़ियाने है वहां ऐसे देख लाए रही दारू किया हां कई के उसका भी मोलो मोरा घूम सामने में नहीं बोले रही से मौका में ऐसे सीधा लगा थे कि भाई वो तो सब देखा थे वो दूर में खत्म हुए है ओला घिसलावत लाए है जिंदा रही थी तो है थोड़े आते मर गए तो घिसलावत लाए है ओला लान के बगल मैया करेंगे सब पिकअप वाले तो हमला मालूम पड़ी से तो हम आए हैं हमारे घर में अनिल गिरी से बताया ला ना बताए भी नहीं है हम जाने हैं तो फिर आए सर न्याय चाहिए। ये ग्राम सिमरिया का मामला है। बबलू राजपूत अपने खेत में ट्यूबवेल लगाया है, वहां से दूरी है करीबन 700-800 मीटर की दूरी में। तार जो है आंधी तूफान से गिर गया था, उसको ठीक करने के लिए बल्ली ले आया और गांव के ही राजेंद्र रजक को बुला करके खंभा गड़वा रहा था तार को ऊपर करने के लिए। इसी दौरान टूटे हुए तार में बिजली करंट धारा प्रवाहित था, जिसके चपेट में राजेंद्र रजक आया और मौके पर ही करंट लगने से उसकी मौत हो गई। मामले में उसका जो भाई है संतोष रजक के रिपोर्ट पर मर्ग पंचनामा लिया जा गया है और पीएम के लिए लाश को सीएससी लोरमी भेजा जा रहा है। पीएम रिपोर्ट आएगी, वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाश को पीएम के लिए भेजा गया है, पीएम रिपोर्ट के आने के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी। लोरमी से प्रीतम दिवाकर की रिपोर्ट, आरजे रमजाझर।